मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को निष्कासित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविवार दोपहर ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारत को बैंकरप्ट करने की थी, अब वह खुद ही बैंकरप्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ना कोई सोच बची है और ना ही कोई विचारधारा या नीति है, वह खुद की सोच लेकर आगे चल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के झाबुआ में आगमन प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को 7,500 करोड़ की सौगात दी है, इससे प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के नेता अजय पाल यादव ने केंद्रीय मंत्री के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और अपने परिवार के सिंधिया परिवार से रिश्तों को बेहद पुराना बताया। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मैं महाराज के सानिध्य में भाजपा परिवार में वापसी कर रहा हूँ। वैसे महाराज साहब से तो मैं क्या, हमारा पीढ़ियों का संबंध है, मेरा परिवार पीढ़ियों से सदैव महाराज साहब के परिवार के लिए समर्पित रहा और सदैव महाराज के ही सानिध्य में हमने काम किया। कुछ परिस्थितियाँ आईं और आज जो आज स्थिति पैदा हुई, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व में हमारे देश का परचम लहराया है, जो उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ आम जन के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो एक देश को समृद्ध बनाने में है, उसके लिए हम प्रभावित होकर वापसी की। दूसरा, हमारे महाराज साहब जिस चीज़ के लिए अक्सर रहते हैं, जिस चीज़ के लिए वचन देते हैं, खुद जब तक उस चीज़ को अंजाम नहीं दे देते, जब तक चैन से नहीं बैठते हैं। हमारे महाराज की कार्यशैली को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम महाराज के सानिध्य में कार्य करें और पूरे क्षेत्र में हमारे महाराज का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि हमारा क्षेत्र विकास और प्रगति पर अग्रसर। परिवार का सदस्य देखिए, माता देखिए, जो परिवार का सदैव भाग रहा है, पार्टी के परिवार का भी और मेरे परिवार 50 साल से सदैव। रघुवीर सिंह जी को आज भी मैं याद करता हूँ, सेवा में रहा और आज उनका स्वागत हम वापस परिवार में करते हैं। अजय पाल यादव जी का पुराना रिश्ता रहा है और एक सक्षमता है, एक कर्मठता है, जनता के साथ एक जुड़ाव है। इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य बनी है और उनका वापस भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सब साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, मुख्यमंत्री का जो संकल्प है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो निर्देश है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी की जो विचारधारा और संकल्प है, उन सभी निर्देश और संकल्पों में हम लोग संयुक्त रूप से जुड़ के कार्य करेंगे।